तो हेलो गाइस, नाउ इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपके क्वेश्चन हैं, जो आपके कमेंट्स आते हैं उनमें से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। यहाँ पे जो मेन मेन हैं उनको डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या हिंदी मीडियम से लॉ कर सकते हैं? क्या हिंदी मीडियम से लॉ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से, जिसमें भी आप कंफर्टेबल समझें उससे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मीडियम से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम से क्या कोई फायदा होगा? हिंदी मीडियम से लॉ करने का क्या कोई फायदा होगा? तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस कंट्री में पैदा हुए हो, यानी कि इंडिया में पैदा हुए हो, तो इंडिया में आप क्या सुनते आ रहे हो? हिंदी सुनते आ रहे हो या इंग्लिश? हिंदी सुनते आ रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, हिंदी में सोच रहे हो, हिंदी में ही समझ रहे हो। तो हिंदी में आप अगर लॉ करोगे तो इसका कोई घाटा नहीं होगा। हिंदी में आप करो या फिर इंग्लिश में करो, हमें जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, क्यों दिए हुए हैं? ये कोई बेफिजूल में थोड़ी दिए हुए हैं। हिंदी मीडियम से करो या इंग्लिश मीडियम से करो, किसी से कम या ज़्यादा फायदा नहीं होगा। वो अलग बात है कि लॉ जो पास होता है, जो अधिनियम बनता है, जो एक्ट पारित होते हैं, वो इंग्लिश में ही पारित हुए हैं, इंग्लिश में ही पारित हो रहे हैं, वो अलग बात है। तो उसके लिए आपको लैंग्वेज पर काम करना पड़ेगा, मीडियम पर नहीं। ये समझने की ज़रूरत है, आप कोई से भी मीडियम से करो, नो वरी। किस मीडियम से ज़्यादा फायदा होता है, ये भी क्वेश्चन था कि किस मीडियम से करें कि ज़्यादा फायदा होगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में लेंगे, क्योंकि इसमें आपको पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि किस मीडियम से करने का ज़्यादा फायदा होता है। तो चौथा क्वेश्चन लेते हैं, क्या मीडियम चेंज कर सकते हैं? चौथा क्वेश्चन है, क्या लॉ में एडमिशन ले लिया, मान लो हिंदी मीडियम में हमने एडमिशन ले लिया, फिर हमने लैंग्वेज पर काम किया और हमारी इंग्लिश हो गई ठीक ठाक, क्या हम फिर मीडियम चेंज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, आप चेंज कर सकते हो। आप जैसे ऐसा नहीं होगा कि एक पेपर आपने दे दिया हिंदी में, फिर दूसरा इंग्लिश में दे दो, ऐसा मत करना। पूरा ये एग्जाम, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपने हिंदी मीडियम लिया है तो हिंदी मीडियम से आप सारे पेपर दे दो। सेकेंड ईयर में आप मीडियम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, लॉ के लिए इंग्लिश कितनी ज़रूरी है? लॉ के लिए इंग्लिश कितनी ज़रूरी है? तो देखो, इतनी ज़रूरी है इंग्लिश जितनी कि हिंदी ज़रूरी है। लोगों को ऐसा नहीं है, लोग हिंदी को ही सुनते हैं, हिंदी को ही बोलते हैं, हिंदी में ही सोचते हैं, हिंदी में ही समझते हैं। तो इसी के जितना आपको हिंदी लग रही है इम्पोर्टेंट, उतनी इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो लॉ पारित होते हैं, जो भी हमारे कानून बनते हैं, इंग्लिश में ही बने हैं और इंग्लिश में ही बनते हैं, इसीलिए उनको समझने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मीडियम डजंट मैटर, इसमें मीडियम मत छोड़ देना कि भाई मीडियम इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, वो लैंग्वेज होती है उस पर आपको, वो अलग पार्ट है, मीडियम अलग पार्ट है। आपको इंग्लिश पे इसीलिए काम करना है ताकि आप इंग्लिश को समझ सको, ऐसा नहीं है कि मीडियम चेंज कर सको, ये समझने की बात है। नाउ जो तीसरा क्वेश्चन है, जो कि मैंने रोक के रखा था, किस मीडियम से ज़्यादा फायदा होगा, हिंदी मीडियम से ज़्यादा फायदा होगा या फिर इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा फायदा होगा, तो इसको आप अपने आप ही अभी कैलकुलेट करना। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मैं और मेरा दोस्त, मैं हिंदी मीडियम से था और मेरा जो दोस्त था वो इंग्लिश मीडियम से था। तो हमारे जो पाँच क्वेश्चन आए थे पेपर में, पाँच क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का था, पांचों क्वेश्चन मैंने किए हिंदी मीडियम से और मेरे दोस्त ने 3 क्वेश्चन किए इंग्लिश मीडियम से। तो मैंने पांचों किए, मेरे 52 मार्क्स थे और उसने केवल 3 क्वेश्चन किए, उसके 60 मार्क्स, यानी कि फुल में से फुल, कौन कहता फुल नहीं मिलता, बहुत सारे ये भी कहते कि नंबर फुल नहीं मिलते। भाई मेरे साथ वाला है, उसने मेरे को बताया है, सब कुछ बताया है, ऐसा नहीं है झूठ, मान लो झूठ बोल भी दिया होगा, एक क्वेश्चन मान लो 4 क्वेश्चन कर दिए उसने, फिर भी उसको 60 मिले, मैं 5 के 5 करके आया फिर भी 52 मिले, तो इतना फर्क पड़ता है, समझ सकते हो इससे कितना क्या वेटेज है इसका। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना। हिंदी और इंग्लिश मीडियम डजेंट मैटर, से पे इतना फ़र्क पड़ता है कि उसने इतने कुछ 4 क्वेश्चन कर दिए होंगे, मान लो उसको 60 मिल गए नंबर, मैं 5 के 5 करके आया, मेरे को 52 ही मिले, इसीलिए कह रहा हूँ आप अपने हिसाब से ये देख लेना। आपको इंग्लिश पर काम करने की ज़रूरत तो है, लेकिन मीडियम पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि क्या हम हिंदी मीडियम से नहीं कर सकते, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, सिर्फ आपको इंग्लिश पे काम करने की ज़रूरत है, मीडियम पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और कुछ जानना समझना पूछना हो तो कमेंट कर देना, और चैनल पर जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।